काव्या बेटा, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आ गया होगा ना, जरा दिखाओ। जी पापा। देखो तुम्हारी पढ़ाई पर इतने पैसे खर्चा कर रहा हूं मैं, और तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं। तुम कॉलेज में पढ़ने जाती हो, करने क्या जाती हो वहां पे। अरे आई एम सॉरी पापा, अब मैं और अच्छे से पढ़ाई करूंगी। आई एम सॉरी पापा। हेलो। हेलो, मैं काव्य बोल रही हूँ। हाँ काव्या, क्या यार हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। अच्छा सुनो, मैं अभी तुमसे मिलने आ जाऊँ। क्या हुआ बताओ। हाँ मैं आके बात करती हूँ तुमसे। अच्छा तुम परेशान मत हो। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम मेरे घर पर आ जाओ। ठीक है, मैं मिलती हूँ, ठीक है जल्दी आ जाओ। बाय। क्या हुआ काव्या, इतनी परेशान क्यों हो। यार क्या बताऊं, मैं ना हमेशा मैथ में फेल हो जाती हूँ, और इसी बात से ना पापा हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। उन्हें तो लगता है मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ती। तो तुम अच्छा ट्यूशन क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। ट्यूशन पढ़ना मीन्स ट्यूशन फीस पे करना, एंड पापा के पास शायद इतने पैसे नहीं है। ओके, तुम टेंशन मत लो, मेरे कॉलेज में प्रोफेसर शर्मा सर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। पक्का? पक्का बाबा, अब प्रॉमिस करो तुम उनसे बात करोगे। पक्का, अब तो अच्छी वाली स्माइल कर दो। विश? और तुमने तो आज मुझे विश भी नहीं किया। किस लिए? भूल गई ना, आज मेरा बर्थडे है। ओ शिट यार, यूनिस मैथ के चक्कर में मैं तुम्हारा बर्थडे भी भूल गई। हैप्पी बर्थडे, चलो मान जाना। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो ना, हाँ मैं आज घर पे पार्टी रख रहा हूँ, तुम्हें आना होगा। यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। यार प्लीज आज तो मना मत करो, प्लीज शुभम, तुम मेरे पापा को जानते प्लीज, हो? कुछ नहीं, प्लीज प्लीज आज तो मना मत करो, प्लीज आ जाना। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू। काव्या बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो। वो पापा सीमा है ना, आज उसके घर पे ग्रुप स्टडीज है, तो सोचा वहां पे मैथ के नोट्स भी बना लूं। ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना। ओके बाबा। हेलो हाय, काव्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
बैठो। तुमने तो कहा था पार्टी है, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। और किसी की जरूरत भी नहीं, ये पार्टी में तुम्हारे और अपने लिए रखी है। मतलब? मतलब कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। पकड़ो इसको। ये क्या है? पकड़ो तो। मैं ये नहीं पीती। काव्या प्लीज, आज तो मना मत करो, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज ना, प्लीज थोड़ा सा। या मैं नहीं पीती। काव्या प्लीज थोड़ा सा पी लो, प्लीज काव्या, आज तो मना मत करो, आज मेरा बर्थडे है। ओके यस। थैंक यू सो मच काव्या। काव्या आर यू ओके? या काव्या, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। काव्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में काव्या? I love you. हेलो। हाय शुभम। हाँ काव्या बोलो। अच्छा तुमने सर से बात की? हाँ बाबा मैंने बात कर ली है, तुम चिंता मत करो, तुम बस जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं भी चेंज करके निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। ओके बाय। अरे शुभम तुम? हेलो सर, हाउ आर यू? या आई एम फाइन। सर आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ मुझे थोड़ा सा काम था, पर तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ अंदर आओ, आ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू सर। ये सर ये काम क्या, मैंने आपसे बात की थी ना इसके बारे में। हाँ शुभम बता रहे थे कि आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है ना? यस सर। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, कल से हम क्लास स्टार्ट करते हैं और देखना तुम टॉप करोगे। जितने भी बच्चों ने अभी तक मेरे से क्लास ली है सभी टॉप करते हैं,
शुभम को ही पूछ लो। लेकिन मैं शाम को ही क्लास दे पाऊंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके सर, मैं कल से ही आ जाऊंगी। बट सर, आपकी फीस? बेटा, फीस के बारे में चिंता मत करो, बच्चे पढ़ लिख जाए मेरे लिए इतना बहुत है। मैं किसी भी बच्चे से फीस नहीं लेता। थैंक यू सो मच सर, मैं कल से ही आ जाऊंगी। हाँ जरूर, बिल्कुल कल से आप आ जाइएगा। चलो काफी फिर निकलते हैं। सर थैंक यू सो मच। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ साथ में, मेरे को भी जाना है। ओके सर। पापा, मुझे आपको एक गुड न्यूज बतानी है। बताओ बेटा। पापा, वो जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर है ना मैथ के, वो आज से मुझे भी मैथ की ट्यूशन पढ़ाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ पापा? बेटा तुम तो जानते हो कि इस समय काम धंधा भी ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हारे कॉलेज की फीस भी, ऊपर से ट्यूशन। पापा आप टेंशन मत कीजिए, आपको पता है वो किसी से फीस नहीं लेते हैं, वो मुझसे भी फीस नहीं लेंगे। वो रियली? हाँ जी। एंड यू नो, वो जिन भी बच्चों को पढ़ाते हैं ना, सब टॉप करते हैं मैथ में। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मतलब मैं क्या कहूं, तुम्हारे जो गुरुजी हैं उनको मेरी तरफ से भी धन्यवाद बोलना। और तुम मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना, अपने गुरुजी का, अपने माँ बाप का, सबका नाम रोशन करना। और कोई भी ऐसा काम मत करना बेटा जिससे कि हम सबका सर झुक जाए। अब तुम जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। जी पापा, और देखना इस बार तो मैं ही टॉप करूंगी। एकदम बेटा। ठीक है पापा, मैं ट्यूशन के लिए जाती हूँ। ओके बेटा। हेलो सर। हाय बैठो 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 बैठो। ड्रिंक लोगे? नो थैंक यू सर, मैं नहीं पीती। ले लो, पी लो। नहीं सर। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे शुभम ने तुम्हें सताया नहीं क्या? शुभम
ये क्या था? क्या हुआ सर? वो काव्या मुझे धक्का मार के चली गई, मेरी बेइज्जती करके चली गई। आज तक मेरी इतनी बेइज्जती किसी ने की नहीं थी। तो कॉलेज में टॉप करता है ना, वो टॉप तो मेरी वजह से करता है। अब मैं देखता हूँ तो कैसे टॉप करता है। सर सर सुनिए, हेलो काव्या, तुमने सर के साथ कल क्या किया है? तुम्हें पता है ना तुम टॉप कर सकती हो। इस तरह से तो मुझे बिल्कुल टॉप नहीं करना। और सुनो, जो ये हरकत की है ना उसने ठीक नहीं किया। तुम शुभम, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक बार आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे नहीं मिलना तुमसे। प्लीज काव्या, तुम मुझसे आकर मिलो। मैंने सर से बात कर ली, वो बहुत शर्मिंदा है। शुभम, क्या है ये सब? अरे काव्या, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हुआ क्या है, बैठो। क्या हुआ है? वो प्रोफेसर। काव्या, तुम्हें सर की बात माननी पड़ेगी, और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है मतलब? मतलब ये देखो, मतलब ये कैसे कर सकते हो शुभम? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, और ये सब? क्यों किया तुमने ये? अच्छा नहीं किया ये। अच्छा, मैंने अच्छा नहीं किया। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा, बोलो। पापा, उस दिन मैं मैथ की ट्यूशन पढ़ने गई थी ना, तो Thank you.
आगे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा किया तुमने शुभम की बात मान ली। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम कॉलेज में टॉप करोगी। जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रोफेसर शर्मा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गुरु का स्थान माँ बाप से भी ऊंचा होता है और गुरु बच्चों को शिक्षा देता है, और तुम्हें गुरु कहलाने का कोई हक नहीं है। तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अरे ये तो अच्छा होगा कि मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया। और तुम्हारा ये घिनौना चेहरा मेरे सामने आ गया, और ये घिनौना चेहरा पूरे समाज के सामने आना चाहिए। तुम्हें किसी कॉलेज में किसी स्कूल में पढ़ाने का कोई हक नहीं। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। हेलो पुलिस स्टेशन,